तो एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाओं को लेकर उत्तराखंड के युवाओं में इस वक्त निराशा देखी जा रही है। विपक्षों ने इन मुद्दे को अब उठाना भी शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दें सुमित्र घुल्लर, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा सरकार की मिलीभगत से परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। घुल्लर ने सरकार पर युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग भी की है और जांच पूरी ना होने तक सभी परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की। आप इंडिपेंडेंटली भी विशेष निवेदन है आपसे। आप सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है वो उत्तराखंड लीक आयोग उसका नाम रख देना चाहिए, क्योंकि ये लगातार ये अक्षम है परीक्षाएं प्रदेश में करा पाने में। लगातार पहले यूके SSSC से पेपर लीक हुआ तो उम्मीद जागी कि शायद जो लोक सेवा आयोग है वो निष्पक्ष परीक्षाएं करा पाएगा, लेकिन इस प्रदेश में वर्तमान में ऐसा होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। हमें बहुत दुख है कि हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य इस समय अंधकार में है। उनको ठगा जा रहा है, उनके साथ लगातार झूठ बोला जा रहा है। महिला आरक्षण के मामले में भी लगातार हमारी बहनों को ठगा जा रहा है। और जो इन्होंने आरक्षण में जो कलाकारी करी है, जो एक्ट बनाने में, उस कलाकारी में अभी तक इतना कंफ्यूजन है कि प्रदेश के अंदर की महिलाओं को कितना रिजर्वेशन मिलेगा और बाहर की महिलाओं को रिजर्वेशन कितना मिलेगा।